मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। कल इस पर चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार को कोई खतरा लेकिन नहीं है। मैं विपक्ष को चुनौती देना चाहता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आप शोर शराबा बंद करो, बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ। 24 तारीख को ही बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने गुवाहाटी में साफ किया था कि उनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव से घबरा नहीं रही है। आखिर घबराए भी क्यों? विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मोदी की सत्ता को संसद में चुनौती दे सके। फिर भी राहुल गांधी कह रहे हैं संसद में अविश्वास प्रस्ताव को 10 दिन से रोक रखा है क्योंकि मोदी जी की सरकार डर रही है। राहुल का दावा इसलिए गलत दिख रहा है क्योंकि टीडीपी के अलग होने के बाद बचा हुआ एनडीए संसद में सरकार के पक्ष में एकजुट है। खुद बीजेपी के पास ही 272 सांसद हैं, एनडीए को इसमें शामिल कर ले तो आंकड़ा 313 तक पहुंच जाता है, जो कि मौजूदा बहुमत से 44 ज्यादा है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कल के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। बाकी टीडीपी और वाईएसआर का नोटिस पहले से है। प्रस्ताव आता भी है तो मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है। आ रहा हूं मैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।